दोस्तों जरूरी नहीं है कि कोई नई खोज अगर बेशकीमती होगी या ऐतिहासिक होगी तभी अच्छी मानी जाएगी, वो कम से कम इंटरेस्टिंग तो जरूर होनी चाहिए। अब वो चाहे समुद्र की गहराई में हुई हो या दूर कहीं अंतरिक्ष में या फिर हमारे पैरों के नीचे की जमीन में, कुछ डिस्कवरीज देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो होती ही इतनी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको हाल ही में हुई कुछ ऐसी डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। दोस्तों आज भी हम उन जीवों की खोज में लगे हुए हैं जो इंसानों के पहले इस धरती पर रहा करते थे और हम ऐसा उनके फॉसिल्स फाउंड करके करते हैं। इस साल हमने 4 पैरों वाली व्हेल के फॉसिल को ढूंढ निकाला है जिसके जालीनुमा पैर थे और वैज्ञानिक मानते हैं कि वो जमीन पर चल सकती थी। ये फॉसिल 4,30,00,000 साल पुराना है। ये पेरू के समुद्र के किनारे के पास उस जगह पर मिले हैं जिसे हम प्लाया मेडिया लूना कहते हैं। अब हमें फिर से सोचना पड़ेगा कि असल में पहली व्हेल्स का जन्म हुआ कहाँ था, क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि पहली व्हेल साउथ एशिया में रहा करती थी। फिर ये व्हेल साउथ अमेरिका कैसे पहुंच गई? इसकी पूंछ और पैरों के किनारे एक बीवर से ज्यादा मेल खाते हैं, लेकिन साथ ही ये 13 फीट लंबी थी और हमने तो कभी इतना लंबा बीवर देखा ही नहीं। इस नए खोजे गए जीव का नाम पैरागोसेटस पैसिफिक रखा गया है, जिसका मतलब होता है वो व्हेल जो पैसिफिक पहुंच गई। जैसा कि आपने सुना होगा कि पोम्पेई नाम का रोमन शहर 79 एडी में ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण खतरे में आ गया था। कहा जाता कि इससे निकले लावा और राख से ये पत्थर में बदल गई और कुछ बदकिस्मत लोग भी पत्थर बन गए। ये जगह बहुत विशाल थी और आज भी आर्कियोलॉजिस्ट इस जगह पर नई नई खोज में लगे हुए हैं। इन अजीब सी चीजों का कलेक्शन भी उन्हीं खोजों में से एक है। ये सारी चीजें एक घर के डिब्बे में मिली थी। इसकी जगह का नाम है कासा डेल जियार्डिनो, जिसका मतलब होता है बगीचे का घर। ये एक ज्वेलरी बॉक्स की तरह है जो उस समय कोई ना कोई जरूर पहनता होगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो काफी रहस्यमयी लगती हैं, जैसे कि इसमें छोटी छोटी घंटियां, इंसानों की गुड़िया और छोटी छोटी कोपड़ियां और भी काफी कुछ है। तो ऐसा लगता है कि ये सारा सामान बेहद धार्मिक या तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्ति की थी और शायद हो सकता है कि यह किसी प्राचीन रोमन जादूगरनी की हो। हाँ, लेकिन जिसकी भी होगी वो इन्हें पहनकर काफी सुंदर जरूर लगता होगा। दोस्तों एलियन पावर ने वर्ल्ड वार जीता जरूर था, लेकिन नाजियों का युद्ध तंत्र बेहद विशाल और शक्तिशाली था और आज ये चीजें बड़े अजीबोगरीब जगहों पर मिल रही हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के पास गल्फ ऑफ फिनलैंड में एक आइसलैंड ऑफ टायोटर्स है और यही एक खोज हुई है। जब कुछ लोग यहाँ रात में खुदाई कर रहे थे तो उन्हें 10 फीट नीचे पूरा नाजी बंकर मिला। ये वहाँ कोई ना कोई मकसद से तो जरूर बनाया गया था। ये मिलिट्री कमांड का बंकर था और इसकी एक एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी गन रक्षा करती थी और ट्यूटर आइसलैंड को नाजीज ने एक किला बना दिया था, तो इसकी सुरक्षा करना तो बनता है। नाजीज को यहाँ 1994 में जाना पड़ा था और भागने की जल्दी में वो ऐसी चीज यहीं छोड़ गए थे। ये बंकर शायद वही था जहाँ बैठकर नाजीज कमांडर ने सोवियत एलियट के खिलाफ प्लान बनाया था, या शायद बाल्टिक जहाजों से बचने के लिए ये छिपने के लिए जगह बनाई गई हो। दोस्तों अगर इंसान प्लांट खाना पसंद करते हैं तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिन्हें मांस खाना पसंद है, जैसे कि ये नॉर्थर्न पिचर प्लांट को ही देख लीजिए, जिसे टर्टल सॉक नाम से भी जाना जाता है। इस नई खोज के दौरान साइंटिस्ट को पता चला कि इन्हें जीवित जानवरों को खाना बहुत पसंद है और खास तौर पर सलामेंडर्स को खाना। इन्हें कनाडा में खोजा गया था और इसे ये नॉर्थ अमेरिका के एकमात्र प्लांट बन चुके हैं जो वर्टेब्रेट जीवों को खाना पसंद करते हैं। बायोलॉजिस्ट एलेक्स स्मिथ ने ऐसा एक पौधे में एक सलामेंडर को फंसा पाया और उन्होंने सोचा कि उनके बाकी पौधों की जांच भी करनी चाहिए। जब उन्होंने बाकी पौधों को देखे तो उन्हें हर 5 में से एक पौधे में एक सलामेंडर मिला। ये पौधा सलामेंडर को अपनी ओर कैसे खींचता है, इस पर रिसर्च चल रही है और यहाँ आने वाले टूरिस्ट से भी कहा जाता है कि वे अपने बच्चों को इनसे दूर रखें। दोस्तों आताई माउंटेन्स की एक लेक के पास एक स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है। इसे सबसे पहले अल्टाई स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने खोजा था और उन्होंने जितनी भी फोटोज उस स्पाइडर्स की ली थी उससे उन्होंने बताया कि ये एरेक्नेट्स की लाइकोसिडाए फैमिली की सदस्य हैं, जिसे हम वोल्फ स्पाइडर के नाम से भी जानते हैं। इसे पास एक एग्जाम नहीं किया जा सकता क्योंकि जब लोग इस फोटो को लेने लगे तो ये स्पाइडर जल्दी से दरारों के बीच में छिप गई। जब से बस एक दो ही स्पाइडर को पकड़ा जा सका है और उनके बारे में लेबोरेटरीज में स्टडी की जा रही है। ऐसा माना जाता है कि ये स्पाइडर सिर्फ अल्टाइन माउंटेन पर ही पाई जाती है और वहाँ रहने वाली स्पाइडर एक पुरानी प्रजाति से काफी मिलती जुलती है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को पहले से पता है।
आपने डक बिल्ड प्लेटिपस के बारे में तो सुना होगा, क्या आपने डक बिल्ड डायनासोर के बारे में सुना है? तो दोस्तों आप सुन लीजिए, जरा हार्डासोर नाम के इस डायनासोर से मिलिए। ये आज से 8 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर रहते थे। वैसे तो इनके कई प्रकार हैं, लेकिन हाल में ही एक नए प्रकार टेक्सास यूसे में खोजा गया है। इनकी एक पूरी खोपड़ी के फॉसिल मिले हैं। वैसे तो ये काफी समय पहले मिला था, लेकिन हाल में ही इसकी स्टडी पूरी की गई है और इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेंटोलॉजी स्पेन में एक रिपोर्ट जारी करके दुनिया को इसके बारे में बताया था। इस डायनासोर की नाक एक चील की चोंच की तरह थी और इसके नीचे के जबड़े के दांत भी बहुत ज्यादा अजीब थे। ऐसा लगता है कि जैसे वो खोद कर किसी चीज को अपने मुंह में खाता होगा। वैसे यह आपको बिल्कुल नहीं खाता, क्योंकि यह पूरी तरह शाकाहारी था। इस खूबसूरत डायनासोर का नाम एक्विलारहिनस पेलिमेंटस रखा गया है। इस वीडियो में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जर्मन्स की मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा थी। ये विशाल बंकर भी इसका उदाहरण है। अपने सबसे अच्छे समय में उनका डिफेंस नॉर्वे से लेकर फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर तक फैला हुआ था। इनमें से सबसे प्रमुख डिफेंस था बरारी नूडविक, जो 80 बंकर की एक सीरीज है, जिसे डच लोगों ने अपने जर्मन ऑक्यूपियर्स के कहने पर बनाया था। इसमें विशाल बराज बंकर से लेकर वुडन शोअर रूम तक थे। इसमें शायद 180 से भी ज्यादा सैनिक रहते थे। इनमें सबसे प्रमुख बंकर S-414 फायर लीडर बंकर है। ये 3 मंजिला था और ये अपनी तरह का सबसे विशाल कंस्ट्रक्शन था। इसके कंस्ट्रक्शन में 750 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट का इस्तेमाल किया गया था। जब ये युद्ध खत्म हो गया तो आसपास के बच्चे नाजी लोगों की बनाई अंडरग्राउंड दुनिया में खेला करते थे, लेकिन 1970 के दशक में इसके सभी दरवाजों को रेत से भर दिया गया और बंद कर दिया गया। इसके कुछ भागों को 2001 में खोल दिया गया और उन्हें नॉर्वे के न्यू अटलांटिक म्यूजियम में बदल दिया गया। हाल ही में ये विशाल S-414 बंकर को साफ करके इसमें म्यूजियम को शिफ्ट कर दिया गया है। अगर बात अंतरिक्ष की हो तो नासा इसमें एक्सपर्ट है, लेकिन वो दिन भर स्पेस को देखते नहीं बैठे रहते होंगे, सिटीजन वॉलंटियर करते हैं। ऐसे एक वॉलंटियर ने उनकी मदद एक नए और अनोखे तरीके की खोज में कर दी। ये तारा बहुत ही दूर एक वाइट ड्वार्फ स्टार था, जो पृथ्वी से भी छोटी साइज का होगा। एक समय ये हमारे सन की साइज का था और इसके चारों ओर धूल की बनी रिंग्स भी थी। ये नासा के द्वारा खोजे गए आज तक का सबसे पुराना वाइट ड्वार्फ स्टार है। ये एकमात्र वाइट ड्वार्फ स्टार है जिसमें रिंग्स भी हैं। वैज्ञानिकों को ऐसा कोई कारण नहीं पता जिससे वाइट ड्वार्फ स्टार के चारों ओर रिंग हो, क्योंकि सामान्यता ये 10 करोड़ साल में अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लेकिन ये 10 बिलियन सालों से भी पुराना है और इसने अपनी पहेली से नासा को भी परेशान कर रखा है। दोस्तों आज जब हम लॉक नेस के नाम को सुनते हैं तो सबसे पहले नॉक लैक्स मॉन्स्टर की बात याद आ जाती है, लेकिन स्कॉटलैंड के इस लेक के पास का इलाका सिर्फ हमें नहीं बल्कि ब्रॉन्ज एज लोगों को भी बहुत ज्यादा भाता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई में पाया कि ये एक बहुत ही पवित्र जगह थी और यहाँ कई रीति रिवाज किए जाते थे। 2015 में यहाँ एक अजीब सी कब्र मिली जिसके चारों ओर पत्थर थे, और हाल ही में एक ऐसी कब्र भी मिली है ये करीब 4000 पुरानी है और इसके नीचे एक बर्तन की तरह कुछ मिला है जो शायद मरने वाले के आगे के रास्ते के लिए चढ़ावा होता होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पूरी जगह पहले बहुत पत्थरों से ढकी हुई थी, वो असल में स्मृति चिन्ह थे, लेकिन बाद में खेती के लिए जमीन को फ्लैट करते समय ये सब बर्बाद कर दिया गया। हम सबको पता है कि स्नो वाइट एक फेरी टेल थी, तो फिर ऐसा क्यों मानते हैं कि उसकी कब्र हाल में ही जर्मनी में मिली है? इसका उत्तर यह है कि हर फेरी टेल कहीं ना कहीं से तो ली ही जाती हैं, और स्नो वाइट के केस में ये ली गई बारोनेस सोफिया मारिया वॉन एर्ताल की कहानी, जिसका जन्म 1725 के लगभग में हुआ था। उसकी माँ की मौत तब हो गई जब वो सिर्फ 18 साल की थी और उसका दूसरी माँ के साथ कोई खास अच्छा रिश्ता नहीं था। अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए उसके पास एक शीशा था जिस पर लव लिखा था। वो उसे देखकर खुद से बात करती थी। इसे ही स्टोरी में मैजिक मिरर कहा जाता था। उसके घर के पास एक माइन थी जहाँ बच्चे काम किया करते थे। इतना सब कुछ एक कहानी बनाने के लिए काफी था। वो चर्च जहाँ उसको दफनाया गया था उसे 19वीं शताब्दी में बर्बाद कर दिया गया था, और ऐसा माना जाता है कि उसका ग्रेवस्टोन भी बर्बाद हो गया था। लेकिन हाल ही में कुछ प्राइवेट कलेक्टर्स के पास अब उसे बॉम्बर्ग डायोसेसन म्यूजियम को दे दिया गया है। तो दोस्तों ये थी हाल ही में की गई 10 दिलचस्प खोजें। आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।